मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह की नियुक्ति को लेकर 9 मार्च की रात को अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं 10 मार्च की रात 8 बजे राजभवन में नए लोकायुक्त का शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। हालांकि नियुक्ति की अधिसूचना जारी होने के बाद से ही यह नियुक्ति विवादों में घिरती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस नोट जारी करते हुए इस नियुक्ति की अधिसूचना को अवैध बताया है। नेता प्रतिपक्ष ने इसको निरस्त करने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि लोकायुक्त की नियुक्ति नियम अनुसार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित नेता प्रतिपक्ष से परामर्श लेने के बाद की जाती है, लेकिन उनसे कोई परामर्श नहीं लिया गया। नेता प्रतिपक्ष ने इसको लेकर सीएम को भी पत्र लिखा है। वही नियुक्ति की अधिसूचना निरस्त नहीं करने पर नेता प्रतिपक्ष ने न्यायालय की शरण में जाने की बात भी कही है। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त महत्वपूर्ण पद की नियुक्ति असंवैधानिक रूप से की जा रही है मोहन सरकार के द्वारा। मैं मोहन यादव जी को मैंने पत्र के माध्यम से भी अनुरोध किया है कि इसकी जो संवैधानिक प्रक्रिया है कि आप नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष को भरोसे में लेके या सर्वसम्मति से निर्णय करें, लेकिन सरकार इसमें नहीं चाहती। सरकार सिर्फ एक पत्र के माध्यम से भेजना चाहती है कि आप स्वीकृति दे दें। जब आपने नाम फाइनल कर लिया तो मुझसे स्वीकृति की आवश्यकता क्या? आपको शुरू से प्रक्रिया के अंदर जब पैनल बन रही थी, जब से आपको मेरे को उसमें सहभागिता होनी थी मेरी, आपने नहीं ली, तो ये प्रक्रिया असंवैधानिक है। इस असंवैधानिक प्रक्रिया से आज मध्य प्रदेश को नुकसान होगा, क्योंकि लोकायुक्त एक महत्वपूर्ण पद है और इस पद पर सरकार एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को, उस व्यक्ति को निष्पक्ष रूप से बिठाना चाहिए जो एक विपक्ष और जनता की आवाज को सरकार के सामने रख सके। प्रशासन और एक विपक्ष के बीच का एक वो होता है, एक पुल होता है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार पर रोक लगती है। तो निश्चित तौर से सरकार अगर इस प्रकार के कदम उठा रही है तो ये तानाशाही वाले कदम है। मेरा फिर पुनः अनुरोध है कि इस नियुक्ति को तत्काल रोका जाए। मोहन यादव सरकार से, मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं।